दोस्तों, कैसे हो आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में, आपके YouTube भी चैनल में, अतरंगी पीयूष में। तो दोस्तों, सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा थैंक यू, आपने मेरे लास्ट वीडियो में बहुत अच्छा, मतलब उसको एक अच्छा रीच दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पसंद किया वो वीडियो को, लाइक किया, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और भी मुझे ऐसे सपोर्ट करते जाइए, लाइक करते जाइए। तो दोस्तों, आज आप देख रहे हो, आज बैकग्राउंड अलग है। एक्चुअली मैं अभी नानी घर में आया हूँ, अपने बोकारो झारखंड में आया हूँ। तो आज से छठ पूजा का महापर्व शुरू हो चुका है दोस्तों। तो मैं सोचा कि क्यों नहीं इसका भी व्लॉग किया जाए। तो दोस्तों, अभी मैं छत पे हूँ और अभी गेहूँ सूख रहा है वहाँ पे, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अभी सिर्फ एक सूखा, अभी 3-4 और लगेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ छठ माँ का नाम लेते हुए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने आपको दिखाया कि अभी गेहूं सूख रहा है, इस गेहूं का महाप्रसाद बनेगा, जो मेन प्रसाद होता है छठ पूजा माँ, छठ माँ को, सूर्य को समर्पित होता है। अभी ये सूख जाएगा, फिर ये पीसने के लिए जाएगा। बहुत सारी घरों में दोस्तों अभी भी वो चक्की वाली होती है ना, मतलब जिससे हम लोग पीसते, उससे होता है। लेकिन आज कल की इतनी फास्ट टाइम में किसी को उतना टाइम नहीं है, तो ये हम लोग रेडीमेड मशीनों में पिसाएंगे। लेकिन हमें शुद्ध देखना होता है कि इसको हम लोग अच्छे से शुद्ध करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा पूजा है, कोई छोटी मोटी पूजा नहीं है। तीन दिन की फास्टिंग का ये पूजा है। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं यहाँ कुछ देर रहूँगा, क्योंकि देखना होगा कि कोई भी कौवे या फिर कोई भी कबूतर चील कौवे से जूठा ना करे, ये भी ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि अगर आप जूठा करोगे तो इसका भी बहुत बड़ा दोष लगता है। दोस्तों कैसन बात। तो दोस्तों, अभी मैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं अभी मार्केट में, मेरे पीछे दिए दिख रहे होंगे, घड़े दिख रहे होंगे। तो अभी हम लोग छठ पूजा की शॉपिंग करने आए हैं दोस्तों। तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को भी जानकारी दूँ। जिन्हें पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिन्हें पता नहीं है तो आप मेरे वीडियो के थ्रू आपको कुछ कुछ जानकारियाँ मिल जाएंगी। जितना मुझे पता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे छठ पूजा में क्या क्या मेन चीज़ें लगती है, कैसी दिए लगती है, कैसे दौरा सूप लगता है, उसका क्या मीनिंग है, कैसे फ्रूट्स लगती है, कितने तरह की पकवान लगते हैं, फ्रूट्स लगते हैं, उसका क्या मीनिंग होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों, जो भी मैंने आपको दिखाया, मिट्टी के बर्तन, दिए, घड़े, वो सारी चीज़ें छठ पूजा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मिट्टी के मैंने आपको घड़े दिखाए, उसमें छठ माँ का मेन प्रसाद बनता है, यानी कि खीर। बहुत लोग स्टील के भी घड़े में बनाते हैं, बहुत लोग मिट्टी के भी घड़े में बनाते हैं, जिसका जैसा प्रेफरेंस हो। जो मैंने आपको चूल्हा दिखाया, उसी मिट्टी के चूल्हे पे छठ माँ का प्रसाद बनता है। जो मेन प्रसाद है, ठेकुआ और जो भी चीज़ें लोग बनाते हैं, वो सारी चीज़ें उस चूल्हे पे बनता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। जैसे जैसे चीज़ें दिखाऊँगा, वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊँगा। मार्केट घुमाया, बहुत ज़्यादा भीड़ है दोस्तों। अभी तो भीड़ होना शुरू हुआ है, शाम तक ये पूरा फुल हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था दोस्तों कि मैं आपको दिखाऊंगा, तो अभी मैंने आपको सूप दिखाया, दौरा दिखाया और फल फूल दिखाए। ये सारी चीज़ें छठ पूजा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो बांस की दौरा और सूप है, वो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, और उसी के अंदर हम लोग 5 रकम की सब्जियाँ, 5 रकम की फल रखते हैं, क्योंकि 5 अंक अपने आप में बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अभी घर के लिए निकलता हूँ, मिलता है आपको शाम में। आज शाम में प्रसाद बनना शुरू होगा, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो अभी मैं प्रसाद खाने जा रहा हूँ, क्योंकि छठ पूजा के 4 दिन होते हैं, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन होते हैं। तो आज पहला दिन है नहाय खाय, जो उपवास करते हैं वो आज के दिन, जिसके भी घर में भी छठ पूजा होता है, तो आज अरवा चावल, दाल और जो भी उनके मन मुताबिक सब्जियां होती है वो बनती है। फिर जो उपवास करते हैं वो खाते हैं, फिर वो खाने के बाद उनका प्रसाद हम लोग खाना होता है, और सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली खाते हैं। तो मैं भी खाने जा रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैं तैयार हो गया, जैसा कि आप देख रहे हो, और अभी नानी पूजा कर रही है। आज के दिन हमारा मेन प्रसाद चाहता है, इसको हम लोग पूरी और खीर बोलते हैं। आज के दिन को लौंडा बोलते हैं, जो सूर्य देवता और छठ मैया को हम लोग समर्पित करेंगे। तो पूजा होने के बाद
हम लोग को प्रसाद और जितने भी परिवार के लोग हैं और जितने भी फ्रेंड्स उनमें बटेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ऊपर जाके दर्शन कराऊंगा, तो मैं अभी भी यहीं पे बैठा हूँ। आपने तो दर्शन कर लिए। एक्चुअली मैं यहाँ पे प्रसाद लेने आया था, नानी का प्रसाद जो मेरी नानी ने खाया, जैसे कि आप देख रहे हो। तो ये प्रसाद अभी हम लोग खाएंगे। ये प्रसाद फैमिली वाले लोग ही खाते हैं, मतलब जितने भी फैमिली के मेम्बर हैं, जो नानी का प्रसाद जो भोग है, ये असली भोग वो खाएंगे। फिर उसके बाद वो ढकनी वाला प्रसाद है जो सिर्फ फैमिली मेम्बर में ही बटेगा, जो मेन फैमिली के मेम्बर्स हैं, दोस्तों या फिर रिलेटिव्स में वो चीज़ नहीं बटता है। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं प्रसाद मैं भी थोड़ा ग्रहण कर लेता हूँ। दोस्तों कैसे हो आप सब? तो दोस्तों छठ पूजा का तीसरा दिन है, तो आज मेन दिन है जहाँ पे आज हम लोग घाट जाएंगे, वहाँ बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे छठ में और सूर्य देवता को अर्घ देंगे। बहुत ज़्यादा इन्जॉय होने वाला है दोस्तों। तो मैं आपको अपने साथ ले ही चलूँगा, लेकिन उससे पहले जो आज का मेन प्रसाद है ठेकुआ, उसकी तैयारियाँ चल रही है, वो बनना शुरू हो चुका है दोस्तों। बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, और हम जो बिहारीज होते हैं जो जिनके घर में छठ पूजा होती है, वो हमेशा हर साल वेट करके कब ये पूजा है वो मेन प्रसाद बने, फिर जैसे भी पूजा संपूर्ण हो फिर हम लोग उसे ग्रहण करें। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ इसी मज़े के साथ आप भी जरूर जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ ठेकुआ कैसे बन रहा है। जैसा कि आप देख रहे हो, मैं पूरी तरीके से तैयार हो चुका हूँ। अभी हम लोग कुछ ही देर में घाट के लिए निकलने वाले हैं, तो उससे पहले हम लोग यहाँ प्रणाम करेंगे छठ माँ और सूर्य देवता की। कल जहाँ हमने पूजा की थी, जैसा आपने देखा होगा ब्लॉग में आगे, तो वहाँ प्रणाम करेंगे, फिर उस दौरे को अपने अपने सर पर रखेंगे, फिर हम लोग घाट पर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको भी अपने साथ ले चलता हूँ, मिलते हैं कुछ देर में। हे सूरज मल नयो न डोले, हे सूरज मल नयो न डोले रे, कोयलिया बोले हो गईले भोरा भीनु सार रे, कोयलिया बोले हो गईले भोरा भीनु सार। हे सूरज मल नयो न डोले, हे सूरज मल नयो न डोले रे, कोयलिया बोले हो गईले भोरा भीनु सार रे, कोयलिया बोले हो गईले भोरा भीनु सार। दोस्तों कैसे हो आप सब? जैसा कि आप देख रहे हो, मैं पूरी तरीके से तैयार हो चुका हूँ। तो दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा फटाके फूट रहे हैं और बहुत अच्छी लाइटिंग हुई है, मैं आपको अभी कुछ देर में दिखाता हूँ। और अभी रात के 3 बज रहे हैं, हम लोग अभी जस्ट घाट के लिए निकलेंगे। और कल मैं व्लॉग को एंड करना भूल गया, क्योंकि
हम लोग घाट से आए और ज़्यादा कुछ हम लोग ने फास्टिंग तो और जो बाकी का ठेक हुआ था जो आज प्रसाद में पूजा होने के बाद सबको बटेगा वो हम लोग बनाने बैठ गए। तो बिलीव नहीं हो रहा दोस्तों कि आज छठ पूजा का आखिरी दिन है, आज सूर्य उदय के साथ ये महापर्व संपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों मैं भी आपको लेके चलता हूँ, मिलते हैं कुछ देर में, तब तक आप ये ब्लॉग एंजॉय करें। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो हम लोग अभी घाट पहुंच चुके हैं, तो अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, अभी भक्तजन आना शुरू हो चुके हैं। जैसे सूर्य देवता और छठ माँ का आगमन होगा वैसे हम लोग अर्घ देना शुरू करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों मैं आपको यहाँ का पूरा दर्शन कराता हूँ, मतलब घाट कितना सुंदर लग रहा है। चलिए दोस्तों से आया। छठ पूजा का ये महापर्व बहुत अच्छे से संपूर्ण हुआ, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों कि जब भी छठ पूजा होता है जो भी हम फैमिलीज लोग होते हैं और दोस्त होते हैं वो सब हम लोग एक साथ आता है, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। मुझे लगता है कि छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जिसे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर हम खुद नहीं चूज़ करते छठ पूजा करना, हमें सूर्य देवता तो छठ माँ चूज़ करती है। तो मुझे लगता है कि हम बिहारीज बहुत लकी हैं और छठ पूजा एक फेस्टिवल नहीं, एक इमोशन है बिहार के लोगों के लिए, बिहारी लोगों के लिए। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया दोस्तों, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये व्लॉग। एक्चुअली वहाँ पे मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आपने वीडियो में देखा ही होगा। और बहुत अच्छा लगता है ये सोच के दोस्तों कि कहीं ना कहीं हम बिहार के लोग बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है कि हम लोग उगते हुए सूरज की भी पूजा करते हैं, सूर्य देवता के रूपों की भी पूजा करते हैं, ढलते हुए भी उनको अर्घ देते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो दोस्तों आप लोग मुझे प्लीज़ बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब।